सर उंगली करने का एक चांस दे दीजिए सर। ये सब कहाँ करेगा? उन्हीं की सेल में सर। आप बस बाहर से ताला लगा के वहाँ से 9-11 हो जाइए। मोमबत्ती की शक्ल में अगरबत्ती, कहीं तेरी बत्ती ना बुझ जाए। उनकी बत्ती तो मैं बुझाऊंगा, जन्मदिन के साथ दिवाली बोनस भी दूंगा। कहीं तुम्हारे रॉकेट ना उड़ जाए, दरवाजा कल सुबह खुलेगा। फिर तो एक टिकट में डबल शो हो सकता है सर। जा, हो जाएगा। अच्छा सुन, जिल राजी हो गया है, पर ध्यान रहे तेरी शक्ल कोई ना देख पाए। उन सालों को फोड़ के रख देना, ऐसा मारना ना खा सके ना धो सके। इधर कैसे आया? कौन है तू? चर्मिचड़ी है तेरे को? चल बाहर, आजा आजा, आना, आजा आजा आजा।
पता है पूरे 12 साल मैंने जेल से बेसब्री से रिहा होने का इंतजार किया, लेकिन तुझसे भी तो मिलना था ना, पुराना हिसाब जो चुकता करना था, इसीलिए मैं रुक गया। अब और कंट्रोल नहीं होता। सुबह दरवाजा खोलने तक अपन यही है। एनी टाइम किसी को भी मार खानी होना तो अपनी दुकान खुली है, समझा जाने। अगर वहां जाके अपना मुंह खोला ना तो डंडे से मारूंगा। अंडा चोर सर, तुम्हारी सूरत पर ये 4 चांद किसने लगाए हैं? किसने मारा? धोते समय बाथरूम में गिर गया था सर। किसी ने धमकी दी है? नहीं सर, हम बाथरूम में फिसल गए थे, हमें जाने दीजिए। हेलो सर, तुम्हें क्या लगता है? मैं जानता नहीं हूँ उन्हें किसने मारा है, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इंसान समझता था। तुम करना क्या चाहते थे? क्या सर, मैंने इन 12 सालों में गांधी जी की किताब पढ़ी है और मुझे उसमें लिखी हर बात याद है। मारा मारी तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, अब तो मैं एक मच्छर के साथ भी हिंसा नहीं करूंगा। ओके, चलता हूँ सर। जेल की इस नौकरी ने मुझे सिखा दिया है कि कौन गांधी है और कौन हिटलर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सीधे अपने घर जाओ, अब एक अच्छा इंसान बनना है तुम्हें। हाँ बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं। भाई अपुन के अंदर जाते ही बाहर का माहौल बदल गया है, शुरुआत कहाँ से करें? पहले माँ से मिलते हैं यार। तुझे घर तो याद है ना? हाँ छोटे इधर ही था। तुझे पूरा यकीन है ना? हाँ यकीन तो है, लेकिन सब बदला बदला लग रहा है यार। एक काम करते हैं, वहां चलते हैं। वहां पे स्कूल था, यही होना चाहिए। एरिया यही था ना? हाँ यार। अरे यार यहाँ पर तो मंदिर था। अरे कोई है क्या? किससे मिलना है बेटा? देखिए आंटी, यहाँ पर मेरी माँ रहती थी, उनका नाम लक्ष्मी था। हाँ। आप जानती हैं वो कहाँ रहती हैं? नहीं मालूम बेटा, हमने 10 साल पहले ये मकान बनाया है। उनके पति ऑटो चलाया करते अच्छा, थे और वो अकेली रहती थी। आंटी सच्ची बताइए ना, आप उनके बारे में जानती हैं? मैं नहीं जानती बेटा। जा सकते हैं वरना वो ट्रेन से जाए, वही ठीक रहेगा। जी सर। तुम्हें कहाँ जाना है? माँ से मिलना है। क्या कहा? मेरी माँ कहाँ है? तुम जेल से कब छूटे बेटा? आज ही छूटा, सीधा घर गया था। जाकर देखा तो वहां माँ नहीं है। कहाँ है मेरी माँ? तुमने अपनी माँ के लिए जो कुर्बानी दी थी वो बेकार चली गई। तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारी माँ भी चल बसी। सेठ जी ने तुम्हारी माँ के इलाज में पैसा पानी की तरह बहा दिया, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे पिता का गम अभी हल्का नहीं हुआ था, इसलिए मैंने नहीं बताया। मुझे माफ कर दो। टिकट हो जाने के बाद मना कर दोगे तो मैं क्या करूंगा? पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। साला बात करता है। गुड मॉर्निंग। आगे क्या करना है सोचा तुमने? कुछ सोचा नहीं है। वैसे बैंकॉक की किसी ट्रेवल एजेंसी में एक जॉब है। जिस लड़के को भेजना था उसने मना कर दिया है, क्या तुम वहां जाना चाहोगे? मैं जाऊंगा सर। पासपोर्ट है?
वो तो नहीं है। एक काम करो, किसी पुलिस ऑफिसर की सिफारिश ले आओ, पासपोर्ट जल्दी बन जाएगा। जेल सुपरिटेंडेंट अपने साथ गोटियां खेलता था। काम हो गया? ट्राई करता हूँ। प्रोग्राम काम हो जाए। ये रोड पर पैदल चलने वाले हमेशा कार वालों से जलते हैं साले, सभी एक से। अगर साइकिल वाला स्कूटर वाले को टक्कर मारे तो दोष स्कूटर वाले का, स्कूटर वाला कार ठोके तो भी कार वाला ही दोषी होगा। कार वाला ट्रक को ठोके तभी गलती कार वाले की नहीं होती। बिल्कुल, ट्रेन अगर प्लेन से टकराए तब भी गलती प्लेन की। गलती चाहे छोटी गाड़ी वाले की ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा बड़ी गाड़ी वाले को ही दोषी ठहराया जाता है। अगर सामने से छोटी गाड़ी आती दिखे तो साइड में कर लो अपनी गाड़ी, अगर नहीं की तो भुगतना हमें ही पड़ेगा। और ये गरीब लोग, ये तो हमेशा से ही हम अमीरों की शान शौकत से चलते रहे हैं। बिल्कुल, क्या हमने कभी किसी गरीब को कोई तकलीफ पहुंचाई? नहीं सर, कभी नहीं, नेवर। बेटा, इन साले मजदूरों की सोच ही ऐसी होती है। एक काम करो, जब भी वो तुम्हें दोबारा दिखे उसे बिंदास ठोक देना, उसका हम शक्ल भी हो तुम बस ठोक देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सर जी, उसे ठोकना है तो दुबई में फोन लगाकर बोल दूं, वो ठोक देंगे। अपना दिमाग मत चला, जा ढूंढ उसे। सुपरिंटेंडेंट साहब हैं क्या? नहा रहे हैं, थोड़ा इंतजार करो। चले। सुपरिंटेंडेंट अपन को देखते ही खड़ा होकर सलूट मारेगा। पहचानो? अरे कौन है यार? गेस तो करो। कौन है यार? हे, नो चीटिंग। संजना, कैसी है तू? क्या यार, अपने भाई के साथ मस्ती भी नहीं करने? पर वो तो मेरा भाई है ही नहीं। क्या कहा? ये रोहित नहीं है? नहीं तो ये लोग डैड से मिलने आए हैं। I'm so sorry। नहीं, अच्छा लगा। हाय यार। हाय। हाय। कैसी हो? बहुत दिन बाद मिले। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? हाय संजना, बिल्कुल ठीक हो। तुम कैसी हो? ठीक हो। तो भाई तुम? आपके आने से जस्ट पहले। तुम्हारे डैड कैसे हैं? डैड ठीक हैं। अच्छी बात है, चलो तुम सब अंदर जाओ। ओके डैडी। नमस्ते सर। यूं भाई, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। यहाँ घर पे क्यों आए? वो क्या ना सर, मुझे बैंकॉक में नौकरी मिल रही है, लेकिन पासपोर्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ हेल्प करते तो। पासपोर्ट बनवाना आसान काम नहीं है, और तुम जेल भी जा चुके हो, तुम्हें मुश्किल होगी। पासपोर्ट ऑफिस में आपका फ्रेंड है ना? ये तुम्हें किसने बताया? उस दिन आप ही ने तो नशे में कहा था। क्या बोल रहे हैं यार? नशे में तुम खुद रहते हो और उल्टी सीधी बातें करते हो। नाराज मत होइए, हम कल मिलने आ रहे हैं। वो क्यों? सर, हरीश की जमानत के पेपर। हरीश, गुड मॉर्निंग सर। कैसे आना हुआ? मैं आपको पासपोर्ट दिखाने आया। क्या पासपोर्ट? एक ही दिन में किसने दिया तुम्हें? बाजार में सब कुछ होता है सर, थोड़े पैसे दे दो काम हो जाता है। इससे मैं बैंकॉक तो जा सकता, लेकिन सही तरीके से जाना है। ओरिजिनल पासपोर्ट बनवा दीजिए ना। आखिर तुमने मेरा दिल जीत लिया। हे सर, इसकी डिटेल्स ले लो और मेरे घर के एड्रेस पर इसका पासपोर्ट अप्लाई करो। जी ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या बाबू, तुम्हारे सारे पेपर तैयार है ना? है ना? साथ में 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे। मेरे? नहीं तो क्या मेरी बीवी के? वो सारे कागजात लेकर मैं पासपोर्ट ऑफिस चला जाऊंगा और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा, समझ गए? ए, जानता भी है, वो साहब की बेटी की सहेली है। मेरी बात मान, राखी बंधवा ले। सुन, ऐसी नजर से दिखेगा तो पासपोर्ट टूट जाएगा।